फिरदौस महल में छाई आलिया के बर्थडे की रौनक, ड्रैकुला बनकर आए फवाद और प्रिंसेस बनकर आई मंजीत। ये नजारा है सीरियल मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव का, जहां पूरा फिरदौस महल सज चुका है। हर किसी के चेहरे पर खुशी छाई है। क्या मंजीत, क्या फवाद, क्या महर, क्या आलिया और क्या मुमानी, हर कोई बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहा है। पार्टी की थीम के अकॉर्डिंग हर किसी ने खुद को ड्रेसअप किया हुआ है, लेकिन हमारी नजर भी सबकी तरह मंजीत पर ही बार बार आकर टिक रही है। देखिए तो जरा, मरियम स्काई ब्लू कलर के खूबसूरत कोल्ड शोल्डर गाउन विद ब्यूटीफुल टियारा में किसी परी से कम नहीं लग रही है। वैसे मरियम फवाद के लुक से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुई है। भाई, मरियम प्रिंसेस के लुक में है तो फवाद को भी प्रिंस के लुक में आना चाहिए था ना। लेकिन ये क्या, फवाद तो ड्रैकुला बनकर आ गए हैं। हालांकि बच्चे फवाद से बेहद खुश हुए, लेकिन मरियम खफा खफा दिखी। अब मेरी स्वीट क्यूट प्रिंसेस आलिया का बर्थडे, तो मुझे तो आना ही था। अच्छा बताइए, ऐसी थीम पार्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? ये प्रिंस, प्रिंसेस का कॉस्ट्यूम तो हर कोई पहन के आता है। ऐसी वो कौन सी चीज है जिसका इंतजार बच्चे का? एनी गेसेस? वो चीज है चलिए अब आपको फवाद और मंजीत के पास ही लेकर चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ड्रैकुला बनने के पीछे फवाद की क्या वजह थी। नया शुरू किया है कोई ऐसा कोई कोचिंग क्लास की। तो ये यार आलिया, मुझे ऐसा लगा बच्चों की पार्टी में क्या बोरिंग बोरिंग करेंगे, तो मैंने ऐसे थोड़ा डराने की वहाँ थैंक्स तो मुझे लगा कि बच्चों की पार्टी थोड़ी मस्ती होनी चाहिए, ड्रैकुला कोई ऐसा कुछ करना, मैजिक वैजिक दिखाना। तो मैंने जानबूझकर ये कपड़े पहने और उन्हें डराने की, मस्ती करने की, हंसाने की कोशिश की। और उसके बाद फिर वो आलिया आ जाती है, कहती है कि भाई अभी अपने नॉर्मल कपड़ों में आ जाओ, तो ये कपड़े पहन के। तो मरियम, आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, जरा अपने लुक के बारे में भी बताइए। तो बोलो मैं सिंड्रेला बन के आई हूँ और मैंने सोचा कि आई थिंक सिंड्रेला मुझे बहुत सूट करेगी, या फिर मैंने उसकी तरह ये गाउन पहना है। स्काई ब्लू कलर का गाउन है, मिनिमलिस्टिक डायमंड की ज्वेलरी है, जो कि डायमंड की नहीं है बट डायमंड अच्छी लग रही है। और मेकअप भी मैंने बहुत ही सिंपल सा रखा है, बहुत ही ज्यादा किया है आज। नहीं यार, सिंपल सा रखा है मैंने। एंड देन मैंने अपने कर्ल्स किए हैं, एंड नॉट टू फॉरगेट द ब्यूटीफुल टियारा। सो आई एम फीलिंग लाइक अ प्रिंसेस, और मैं सिंड्रेला हैज बीन माय फेवरेट। मरियम, आज आपको फवाद से जो उम्मीद थी उस पर तो फवाद ने पानी फेर दिया, इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? तो ये बस बोलने की बात है कि मैं आलिया के बर्थडे के लिए रेडी हुई हूँ, मैं फवाद के लिए रेडी हुई हूँ। इतना जो भी मैंने किया समझा, तो ओनली फॉर फवाद। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये आलिया की बर्थडे पार्टी में आएगा, बट ही एक्चुअली केम एज ड्रैकुला। तो वो एक सरप्राइज था कि आया एंड ये एक कैरेक्टर बन के आया है। तो वो ड्रैकुला बन के आया या फिर प्रिंस चार्मिंग आया, उससे मरियम को इतना फर्क नहीं पड़ता, उनका प्रेजेंस ही मरियम के लिए बहुत है। वेल, इस पार्टी में मरियम को किडनैप करने के लिए मुमानी ड्रैकुला के अवतार में दो गुंडे भी भेजेंगी। मतलब कोई पार्टी टीवी पूर में बिना किसी ट्विस्ट के पूरी हो ही नहीं सकती। क्यों, सही कहा ना हमने? वेल, अब देखना ये है कि क्या मुमानी अपनी चाल में कामयाब हो पाएंगी, या फिर फवाद और मरियम मिलकर कर देंगे मुमानी का पर्दाफाश। मुंबई से ज़ारा खान की रिपोर्ट, E24।